आज नजर आ गया। मैं इनफरादी तौर पे किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता और उनके बारे में भी मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जरा सा ये दोहराना जरूर चाहता हूं कि अगर किसी के जहन में कोई इबाम हो, जो होना नहीं चाहिए, 26 साल से इमरान खान सियासत कर रहे हैं, सबको पता है कि इमरान खान का नज़रिया क्या है, उनकी सियासत क्या है, लेकिन आज के दिन मेरे ख्याल में ये ज़रूरी था कि उसको ज़रा सा दोबारा दोहराया जाए कौम के लिए। देखिए, इमरान खान जो है वो अपनी ज़ात के लिए सियासत नहीं करते, वो सियासत करते हैं अपनी कौम के लिए, उनका कोई ज़ाती मुफाद इसके अंदर शामिल है नहीं, इसीलिए वो ना कभी किसी को ब्लैकमेल करते हैं, ना वो कभी ब्लैकमेल होने को तैयार होते हैं, ना उन्होंने ये पैसे की सियासत की है कि पैसे से, और वो भी हराम के पैसे से लोगों को खरीदने की बोलियां लगाई जाएं। यहाँ तो ये आप 30 साल से ज़्यादा हो गया, छांगा मांगा जो है वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आबादी है इस वक्त वो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त जिस वक्त ये छांगा मांगा हुआ था, तो ये तो इतना पुराना इनका कारोबार है। ये सियासत ना इमरान खान ने कभी की है, ना इमरान खान आगे कभी करेंगे। जो भी इमरान खान ने करना है वो एक अवामी लीडर है, वो कौम की पैदावार है, उनको कौम जो है वो वज़ीर आज़म बनाया है, और किसी नज़रिए के ऊपर जो भी इमरान खान ने करना है वो एक अवामी लीडर है, वो कौम की पैदावार है, उनको कौम जो है वो वज़ीर बनाया है, और किसी नज़रिए के ऊपर, किसी असूल के ऊपर उनको वो वोट डालकर लेकर आए हैं। इमरान खान कल भी उन असूलों और उस नज़रिए पे खड़े थे, वो आज भी उसूल और नज़रिए के ऊपर खड़े हुए हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला कल भी इसी नज़रिए और उसूल के ऊपर खड़े रहेंगे, चाहे ये जो मर्जी होता रहे, आपको जितनी मर्जी वीडियो नज़र आए, इमरान खान ने इस बुनियादी अपने नज़रिए से नहीं हिलना। एक पहली बात तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा कि ये भी कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी तरीके से मुकाबला जारी रखेगी और आखिरी वक्त तक जारी रखेगी। जो सिर्फ फर्क ये है कि उनके और हमारे मुकाबले में हम जो भी करेंगे वो आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करेंगे, और आईन और कानून के दायरे के अंदर जो भी हमें इख्तियार और हमें हक हासिल है वो हमने इस्तेमाल करना है, और वो जैसे जैसे आपको टाइम आगे गुजरेगा आपको नजर आता रहेगा कि क्या हम इकदाम उसके अंदर कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे जो यहां पर हो रहा है कि सिंध से पुलिस वाले, ऐसे लगता है कि जैसे किसी बैरूनी मुल्क से कोई हमला हो रहा है और वहां से हथियार बंद जो है सिपाहियों को लाया जा रहा है, यहां पर नोटों के पूरे पूरे बक्से भर के ले जाए जा रहे हैं। तो सारी कौम जो देख रही है, मेरे ख्याल में पहले भी किसी के दिमाग में शक तो था नहीं कि ये लोग जमहूरियत का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं, ये जमहूरियत के नाम पर करना एक्चुअली चाहते हैं कारोबार। जो इमरान खान हमेशा से कहते थे कि पहले हराम का पैसा कमाओ, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर सियासत में खरीदो अपनी पोजीशन, और जब आपको मुकाम मिल जाए तो उससे और पैसा बनाओ, ये बिल्कुल उसका लाइव प्ले इस वक्त आप देख रहे हैं सारी कौम के सामने। सो बुनियादी तौर पर यही आज हमने का पैगाम कि कोई ख़ास तौर पे तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये पैगाम है, बट उमूमी तौर पे पूरी कौम के लिए पैगाम है कि फिक्र ना करें, जिस इमरान खान को आपने सपोर्ट किया, जिस इमरान खान को आपने 6 लोगों की पार्टी से उठाकर कौम का सबसे बड़ा लीडर बना दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया, इंशाअल्लाह ताला वो इमरान खान आपको कभी भी जो है मायूस नहीं करेगा, वो उसी तरीके से, उसी दिलेरी से, उसी ईमानदारी से अपने नजरिए और असूल के ऊपर खड़ा रहेगा जैसे से जैसे वो हमेशा रहा है और जिसकी वजह से वो आपका लीडर बना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कौम ने ये देखा कि ये वो निज़ाम है जिसके खिलाफ इमरान खान खड़ा है। ये कौन सा निज़ाम है? ये हॉर्स ट्रेडिंग का निज़ाम है, ये रिश्वत लेने और देने का निज़ाम है, ये 20-20 करोड़, 40-40 करोड़ रुपए की बोली लगाने का निज़ाम है, और ये करप्शन का निज़ाम है। ये सारा पैसा जो आज बोलियां लगाई जा रही हैं ये करप्शन का पैसा है, और इस सारे निज़ाम के खिलाफ आज पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान खड़ा है और इमरान खान खड़ा रहेगा। हम ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि हम अवाम के लिए सियासत करते हैं, हम अपने इक्तदार के लिए कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। हम चाहें आज तो हुकूमत के पास अरबों रुपए मौजूद हैं कि हम वो अरबों रुपए दे के इनके 12 से 12 छोड़ के हम तो इनके आधे एमएनएस खरीद सकते हैं क्योंकि वो सब इस काम के शौकीन हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे।
हम अपने इक्तदार के लिए वजारतें नहीं बांटेंगे, हम अपने इक्तदार के लिए सौदेबाजी नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा ये वादा है अपनी कौम के साथ, अपने वोटर के साथ, कि हम अपने वोटर के लिए सियासत करेंगे, पाकिस्तान के लिए सियासत करेंगे। हम अपने इत्तेहादियों के साथ एंगेज्ड रहेंगे, लेकिन किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। सिर्फ मुल्क की खातिर हम उनके साथ एंगेज्ड हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे आज भी यकीन है कि ये जितने लोग हैं और जितने हमारे इत्तेहादी हैं, ये इंशाल्लाह ताला मुल्क और कौम के लिए बेहतर फैसला करेंगे। नंबर दो, ये लोग जो वहां गए, या ये वो लोग, या ये जो एक सिलसिला पूरा शुरू हुआ है सिंध हाउस के अंदर, आपने देखा, ये किसी की जमीर की आवाज नहीं है, ये रोकड़े की आवाज है, रोकड़े की। और ये वो रोकड़े की आवाज है जिसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो चंद लोगों के जो आज चेहरे नजर आए आपको टेलीविजन स्क्रीन्स पे, मीडिया जरा इनके हलकों में आज जाके कैमरे लेके और माइक्स लेके जाए तो सही, वहां वोटर से पूछे तो सही कि जिस शख्स को आपने इमरान खान के बल्ले के निशान पे मुंतखब करके भेजा ऐवान में लाखों वोट दे के, आज जब वो इमरान खान के खिलाफ वोट देने की तैयारी कर रहा है, तो क्या आपको आपका मैंडेट उसके साथ है? आपको जवाब जो मिलेगा वो इन लोगों की भी आंखें खोल देगा। ये लोग अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रहेंगे। साथ में ये भी आपको बताना चाहता हूं, हमारा 27 मार्च को जो जलसा होने जा रहा है, हम उसकी भी पूरी तैयारी में जारी साजी हैं, इस अदम एतमाद की तैयारी में भी जारी साजी हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अवाम भी एक फैसला एक तरफ सुनाएगी, और अदम एतमाद जो है इनकी, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, इसको भी हम नाकाम करेंगे। कौम के सामने अब वाज लकीर आ चुकी है, इससे ज्यादा वाज लकीर पहले कभी नहीं आई। ये जो गंदगी थी पाकिस्तान की सियासत की जिसके खिलाफ हम जंग कर रहे थे, वो गंदगी खुल के सामने आ गई है। और अब इंशाल्लाह ताला हम इस मरहले से इमरान खान हुकूमत मजीद मजबूत होकर निकलेगी, मजीद अवाम की हमायत लेके निकलेगी। मैं अपने कारकुनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो 27 मार्च के जलसे की भरपूर तैयारी जारी और साजी रखें। हर हल्के के अंदर जो है वो इस वक्त तैयारी होनी चाहिए हमारे 27 मार्च के जलसे की। इंशाल्लाह ताला ये कोई आम जलसा नहीं होएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े जलसे किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन ये जो 27 मार्च का जलसा होएगा, ये पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला जलसा होएगा। ये पाकिस्तान ने ऐसा जलसा कभी नहीं देखा होगा। फौज चौधरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि परसों ही हमने कहा था कि एक्शन लेंगे, तो वो लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए। आज अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बिल्कुल वाज़े, वज़ीर आज़म ने जो असद उमर साहब ने और हमाद अज़हर साहब ने आपके सामने तफसील रख दी है, हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी भी किस्म की लोटा साजी, किसी भी किस्म की जो एक सौदेबाजियाँ चल रही हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। इसलिए कि हम जो अवाम से जो वादे करके हम आए थे, उसमें ये जो रवायती सियासत है ये फिट ही नहीं बैठती। यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल है जरदारी का और नवाज शरीफ का, पैसे लगाओ हकूमत में आओ और पैसे कमाओ, पैसे लगाओ हकूमत में आओ पैसे कमाओ, ये मॉडल है जो 1990 से हम देख रहे हैं, जिसको हम डेकेड ऑफ डार्कनेस कहते हैं, जो 1990 से शुरू हुआ। अब पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो उस डेकेड ऑफ डार्कनेस को मुस्तरद करे, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो इमरान खान की हमायत में उठ खड़े हों। मुझे असद उमर साहब को, हमारी बाकी पार्टी लीडरशिप को, इन लोगों के हलकों से फ़ोन आ रहे हैं, हमारे कारकुनान मुश्तइल हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप कानून को हाथ में ना लें, लेकिन एहतजाज करना ज़ाहिर है आपका हक है। और इतने अफसोस की बात है, एक खातून MNA को 7 करोड़ रुपए दिए गए, ये कहां से पैसा आ रहा है? सिंध की हुकूमत के इस वक्त कराची में जो हालात हैं, इंटीरियर सिंध के जो हालात हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन जहाज़ों में पैसे भर के यहाँ पे आए। और इस वक्त कितनी दुख की बात है कि सिंध हाउस जो है वो नया छांगा मांगा है। इस वक्त आज का छांगा मांगा जो है वो सिंध हाउस है, और यहाँ पे लोगों के ज़मीर जो हैं उनको ख़रीदा और बेचा जा रहा है, और व्यापारी यहाँ पे इस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं
منتخب اراکین کی کہ جیسے خچر اور گھوڑے خریدے اور بیچے جاتے ہیں. میں ان بے شرم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ دباؤ میں تھے یا سندھ ہاؤس میں وہاں پہ ان کو کسی پریشر میں رکھا گیا ہے, لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہوں, اس بے شرم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے, استعفیٰ دو, اگر شکایت ہے واپس جا کے الیکشن لڑو اور پھر یہاں پہ آؤ. تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ جو جس کے لے کے تم یہاں پہ بیٹھے ہو, عمران خان کا ووٹ ہے. جو سیٹلمنٹ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں, جو یہاں پہ آئے ہیں, وہ عمران خان کے نام کے اوپر جیت کے یہاں پہ آئے ہیں, اور یہ ان کو ووٹ استعمال کرنے کی ہم نے آج جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان کا بھی آغاز کر دیا ہے, اور جو آرٹیکل 63A کے تحت جو ہماری یہ قانونی پروسیڈنگز ہیں وہ بھی چلیں گی. لیکن اصل جو اس وقت ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 27 کو ڈی چوک ہے انشاءاللہ. اسلام آباد میں آپ پاکستان کی ہی نہیں شاید اس خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع دیکھیں گے. پورا پاکستان اس وقت عمران خان کو دیکھ رہا ہے, اور عمران خان اگر یہ اس کی جو سیاست ہے وہ عوام کی سیاست ہے, اور ہم اپنے آپ کو عوام کی جو ایک مورل پالیٹکس ہے اس سے قطعی طور کے اوپر علیحدہ نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ عوام کی طاقت سے ناکام بنائیں گے. فوجر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت بھی یہ کہتی رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں, کیا اب بھی آپ یہ کلیم کرتے ہیں؟ اور دوسرا سر, حکومت کے پاس آپشنز کیا رہ گئے ہیں یہ لوٹے سامنے آنے کے بعد؟ دیکھیے بات یہ ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں, ہم نے جس طرح اسد عمر صاحب نے اور حماد صاحب نے واضح کیا, ہم نے کسی کو یہ پیسے دے کے نہیں لانے کی بات کی, نہ ہی ہم سودے بازی کریں گے, نہ ہی ہم کسی کو مراد دیں گے, نہ ہی ہم منسٹریز کے اوپر جو ہے وہ بارگین کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندے جو ہیں وہ اس دن آتے ہیں نہیں آتے یہ دیکھ لیں گے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا جس طرح یہ نام سامنے آئے ہیں اس کے بعد 63A کا آپ نے بھی ذکر کیا, آپ نے بتایا بھی, تو پہلے تو یہ بڑی تنقید کی گئی پی ٹی آئی حکومت پر کہ جرم نہیں ہوا, تو ابھی اس کے اوپر کاروائی کرنا مناسب نہیں, تو اب کیا یہ جرم ہو چکا ہے اور آپ الیکشن کمیشن میں اس مدعے کو لے کر جائیں گے؟ دیکھیں آرٹیکل 63A1 جو ہے ووٹ تو A2 میں ڈلتا ہے نا, 63 میں 63A1 کہتا ہے کہ اگر پارٹی لیڈر کمز ٹو دا کنکلوژن کہ ایک بندے نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا نہ ریفرنس موو کر سکتا ہے. مطلب آج کے یہ ویڈیوز کے بعد کوئی شک تو باقی بچا نہیں ہے. بالکل جیسے ساتھ میں دیکھا کچھ یہ بھی خبریں کچھ وفاقی وہ ذرا کچھ ڈیزائن وزیر اعظم کو دیے کہ اس میں صداقت ایک رمیش کمار کے پاس کوئی خبر آئی ہے, باقی ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں. یہ بتائیے گا کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے وہ عمومی وہ لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں سے آئے, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بتائیے گا کہ بینگ اے پارٹی سیکرٹری جنرل آپ اپنے کارکنوں کو یہ کہیں گے جو آپ آئندہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے, ادھر اسے پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے؟ نمبر دو, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وزارتوں کے حوالے سے کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی, بارگیننگ نہیں ہوگی, اٹ مینس کہ اگر پریویس سٹیٹس پہ اتحادی آپ کے ساتھ ہو تو ٹھیک, نہیں تو اتحادی بھی چلے جائے تو کوئی پرواہ نہیں. تھینک یو سر. دیکھیے جو دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں, پہلی بات جو ہے وہ تو بہت آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر بہت مباحثہ رہا ہے, بڑی اس کے اوپر دو رائے رہی ہیں. عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ابھی تک کوئی ہارڈلی کوئی نام نظر آیا ہوگا ایسا جس نے سیاست کا آغاز ہی شروع کیا ہو, آغاز ہی کیا ہو تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ صرف چلا ہو. لیکن ایسے ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس وقت ہیں جو بہت تگڑے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان کے ساتھ, جنہوں نے اپنی سیاست کی ابتدا دوسرے پارٹیوں سے شروع کی ہیں. تو ایسا یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری پارٹی سے جو بھی بندہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہوگا, آگے بھی یہ دیکھنا ہوگا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ صرف 19-20 نہیں شاید 18-20 کا بھی فرق ہونا کسی حلقے کے اندر, تو جو پارٹی کا اپنا کارکن ہے ورکر ہے اس کو آپ کو ترجیح دینی چاہیے. دوسرا آپ کا کیا سوال تھا کہ اتحادیوں کے, دیکھیں اتحادیوں کے یہ صرف کابینہ کے اندر جو تبدیلیاں ہیں چاہے وہ اپنے لوگ ہوں یا وہ اتحادیوں کے لوگ ہوں, اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, اور وہ تبدیلیاں اگر وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ اس کی منطق بنتی ہے, اس کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی میں بہتری ہوتی ہے, تو وہ بالکل کی جا سکتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری اس سے نو کانفیڈنس موشن آنے سے پہلے
कम एक से ज्यादा इतिहादी जमात से यह बात भी हो चुकी थी हमने इंडक्ट करने, वो सिर्फ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई थी बीच में उसकी रुक गई थी, लेकिन इस शर्त के ऊपर के अगर नो वजारत नहीं मिली तो नो कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो फिर वो मुख्तलिफ बात है। अभी तक किसी ने ऐसी बात की नहीं है, वजाहत कर दूं किसी इत्यादि ने ऐसा मुतालबा किया नहीं। बाईस सरकार है, 24 सरकार है छुपे हुए, कुछ लोग सामने आ गए, अब जाहिर है इससे अगर वो वहाँ पे हैं और वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो इस पे जो न्यूमेरिकल ऑफ क्रिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। अब क्या आप पार्लियामेंट्री पार्टी का अंदाज बुला रहे हैं ताकि डिटरमिन हो सके कि कितने अरकान आपके साथ हैं और आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो इंटैक्ट है या नहीं? सर वो तो जिस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तमा 27 तारीख को आप देखेंगे तो जाहिर है उस दिन तमाम पीटीआई के वर्कर्स एमपीएस एमएनए सब यहाँ पर मौजूद होंगे तो वो तो आपको एक बेहतरीन मौका मिल जाएगा सबको देखने के लिए कौन खड़ा हुआ साथ कौन नहीं खड़ा हुआ। जो लोग आपके आज कुछ लोग सामने आए हैं जो वो नंबर ज्यादा बता रहे हैं, क्या आप अपने उन लोगों से दोबारा इंगेज करेंगे, उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे? देखें कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने जो इकदामात लिए हैं मेरे ख्याल में तो बिल्कुल वाज़े तौर पे गैर आइनी है। ये आइन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों को जोर जबरदस्ती रखने के लिए एक सूबे से पुलिस उठाएं, सैकड़ों लोग उठाएं और वो पुलिस एहलकार आप ले जाएं दारुल हुकूमत के अंदर? अगर ये सारी सूबाई हुकूमतों ने करना शुरू हो गया ये तो आप बिल्कुल खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके चले जाएंगे। अभी तक वफाकी हुकूमत ने रिटेलिएट नहीं किया है, अगर हम अभी रिटेलिएट कर देते तो ये तो बहुत ही खतरनाक गैर आइनी उन्होंने इकदाम किया है, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई डिस्कशन हो नहीं रही है। जहां तक लोगों का ताल्लुक है जी, देखें उस उसूल के ऊपर रहते हुए कि नजरिए के ऊपर और उसूल के ऊपर इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो मर्जी सूरत हाल पैदा हो जाए। अगर हमारी पार्टी में जो लोग है वो पार्टी में लोग जो है वो मिलना चाहते हैं अपने वजीर आजम से तो जरूर सौदेबाजी के बगैर जरूर मिले। जो शेख रशीद साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गवर्नर रूल लाने की तजवीज दी है और उन्होंने कहा जी चूंकि मैं पीटीआई में नहीं हूं, मैं आपका अलाय हूं और मैं अपने अलाय की हैसियत से मैं आपसे डिमांड करता हूं और एज एन इंटीरियर मिनिस्टर डिमांड करता हूं कि जो कुछ सिंध हुकूमत ने किया है वो पाकिस्तान के आइन की फ्लैग्रेंट खिलाफ वर्जी है, वो बगावत के ज़िमन में आती है। जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर पैसे भेजे हैं, पुलिस भेजी है और उन्होंने कहा है कि इसको गवर्नर रूल लगाया जाए, अब ये इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट अलाय की तरफ से आ रहा है, तो यकीनन इसके ऊपर एक जिस तरह असद साहब ने कहा है कि अभी तक हमने उसके ऊपर उस तरह वाज डेलीब्रेशन नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि एक इम्पॉर्टेंट आया है तो डेलीब्रेशन तो जाहिर है इस पर होंगे। जी सर, बादशाह में हुकूमतें जो हैं इस तरीके के इदारों को साथ मिलाकर अपोजिशन के लोग तोड़ती, लेकिन ये पहली दफा देखा जा रहा है कि अपोजिशन हुकूमत के लोग तोड़ रही है, क्या इदारे उनके साथ हैं? और दूसरा देखिए फहीम, पहली बात तो यह है कि ऐसा मौका पहली बार नहीं आया और मैं आपको एक बात बताऊं, 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ रेजोल्यूशन ये लाई गई थी उस वक़्त तमाम इदारे जो थे वो नवाज शरीफ के साथ थे, पंजाब में गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी और उसके बावजूद वो नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सका। आज भी जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, अगर हम अपने उसके ऊपर आ जाएं, हम खजानों के मुंह खोल दें, हम आईबी को, रेंजर्स को, इन सब को जो है वो वहाँ पे डाल दें तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है फिर हम में और पीपल्स पार्टी में और नून में फ़र्क क्या रह जाएगा? आज इमरान खान में, जरदारी में और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर हम भी लोगों को साथ साथ 10-10 करोड़ रुपया देना शुरू कर दें? हम किसी को पैसे नहीं देंगे और किसी से हम ये बार्गेन नहीं करेंगे। आज हमारी जो खवातीन एमएनए है उसको उधर से 7 करोड़ मिल रहे हैं, हम 10 करोड़ दे दें तो वो उधर चल जाएंगी, अगर बोली ही लगनी है तो वो तो पैसों पे लगनी है ना, तो ये यही तो फर्क है। तो आवाम के पास क्या करते हैं?
इसका तो मैं इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा जी, आप कारकर्दगी, ये बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया, जरा कारकर्दगी पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं है, पहली बात तो अभी ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने कारकर्दगी का सवाल के क्या लेकर वापस जाएंगे, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। तो यार तीन चीजें हैं जिसकी जो बुनियादी चीजें थी, जो इमरान खान का मैसेज था, जिस पैगाम था जिसके ऊपर अवाम ने इमरान खान को वोट दिए। एक उसने कहा खुददारी, ये मैं अभी नहीं गाड़ा, ये तरीके इंसाफ का आप पिछले 20 साल पुराना लिटरेचर उठा के देख लें तो उसके अंदर नजर आता है। क्या आपने देखा या नहीं देखा, या पूरी कौम ने देखा या नहीं देखा कि वजीर आजम आए एक दहाइयों के बाद, जिसने कौम की आजादी, कौमी गैरत को सामने रखते हुए कौम की बेहतरी के लिए फैसले किए हैं और उसके जवाब में कौम को इज्जत दिलाई है। यह नहीं कि फैसले करने से कोई दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। अमेरिका ने कहा अभी अफगानिस्तान के एग्जिट के बाद कि जनाब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं आप। अभी ईयू के ऊपर ये जो ईयू के एम्बेसडर कहा था, बड़ा तूफान में चाहिए, ओहो हो ये क्यों कह दिया जी। शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आ गया, गोरे सरकार को आपने क्यों ऐसी बात कर दी। ईयू के प्रेसिडेंट की बात होती है प्राइम मिनिस्टर से, वो शुक्रिया अदा करते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि आप एक न्यूट्रल स्टैंस लेके बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आप एक किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान से यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है। मैं आपको 10 और ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि खुददारी का जो वादा था वो पूरा किया। दूसरा, इंसानियत। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा समाजी हिफाजत का निजाम आया ही नहीं जो एहसास का प्रोग्राम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें उठा के देख लें, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख लें, दुनिया के बेहतरीन समाजी इंसाफ के प्रोग्राम्स के अंदर है। तीसरी चीज पे आ जाए, मईशत, जिसकी बड़ी बात होती है। मेरे भाई, इन्होंने 2008 से 2018 तक 10 साल इन लोगों ने हुकूमत की, ये जो भी बैठे हुए ना सारे जो वो कैश के डॉलरों के थैले जो लेके बैठे हुए, इन्होंने 10 साल हुकूमत की। 15 साल के बाद पहली दफा हो रहा है, ये साल 2021-22 का साल मुकम्मल हो जाएगा तो आपको नजर आएगा कि 15 साल में पहली दफा पाकिस्तान की मईशत 2 साल मुतवातर 5% की ज्यादा शरह से ग्रो करेगी। वो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा पाकिस्तान का जो 10 साल में नहीं हुआ था वो सिर्फ 1 साल के अंदर होगा। वो सेहत के कार्ड का निजाम जो अमीर मुल्कों के अंदर ये है वो आया। और आखिरी लेकिन सबसे अहम चीज, वो चीज जो हर मुसलमान को तकलीफ पहुंचाती थी, लोग इधर गाड़ियों को आग लगा के और आपस में एक दूसरे से लड़ के खत्म हो जाते थे क्योंकि किसी लीडर में यह गैरत नहीं थी कि वो बैनुल अक्वामी स्टेज पर खड़े होकर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का दिफा करे। वो इमरान खान था जो खड़ा हुआ अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर, आवाज बुलंद की इस्लामोफोबिया के खिलाफ, पाकिस्तान करारदाद लेके गया, सारी मुस्लिम दुनिया को साथ मिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुनिया के मुसलमानों को, पूरी उम्मा को मुबारकबाद कि परसों इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तो परफॉर्मेंस तो इतनी है कि इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा जब वोट होगा। इतने पैसे जो इस्लामाबाद मुंतकिल हो रहे थे, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट जेट में, तो क्या वफाकी हुकूमत इससे लाइलम थी? और इसके साथ एक और सवाल कि अभी भी आपको उम्मीद है कि ये तरीके अदम इत्माद जो वो नाकाम होगी, तो क्या आपके अपोजिशन अराकीन से भी कोई रबते हैं? अपोजिशन के अराकीन से रबते हैं जी, बिल्कुल, ये तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, बिल्कुल रबते हैं, लेकिन वो हम आपको नहीं बताएंगे। और ये आपको बता देंगे कि हम ना हमने कोई कैश इस्तेमाल करना है, ना कोई हराम का पैसा देना है, ना किसी को खरीदना है। और मैं एक इसमें बात ऐड करूंगा कि अभी अभी मैच जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग ओवर्स में चला गया है। अगले 2 ओवर्स में जरा इंतजार करें, कप्तान जो है उसकी इनिंग शुरू होने वाली है आखिरी 2 ओवर्स की, तो कोई अभी कंक्लूजन ड्रॉ ना करे। आखिरी सवाल जी सुनाओ, पैसों का पता सर, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास 173 वोट होने चाहिए। आइन और कानून ये कहता है कि डॉलर हाँ, लोग चलो सुना लगी सुन ले जी। सर 172 आपके पास है, जब इत्तेहादियों की बातें आपने सुनी। सईद गनी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
और उन्होंने कहा कि एक भी हमारे रुकन को रोका गया तो कराची से पीटीआई का एक भी रुकन इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। अच्छा वो तो खैर वो तो मेरे लिए शायद वो कह रहे थे इया का नाम बदो इया का नस्ताइन भाई जान। एक आपकी तस्दीक कर दूं, 172 हमने नहीं पूरे करने, 172 उन्होंने पूरे करने। पिछले साल इमरान खान खुद बगैर किसी दबाव के उसने फैसला किया था कि मैं इत्माद का वोट लूंगा और 172 नहीं, हमने आपको 178 वहां पे दिखाए थे। अब देखते हैं ये कितने पैदा करते हैं।